बीते दिनों बेउर थाना अंतर्गत काजल कुमारी को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए थे, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी, सुनते हैं। अभी बेउर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें क्या कुछ बातें हैं, इसमें प्रेम प्रसंग और मामले इसमें निकल कर आए हैं, उन तमाम मामलों को लेकर अपराधी के लेकर आए और साथ ही जिससे वारदात को अंजाम दिया गया वो तमाम चीज़ें के साथ सिटी एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और क्या कुछ उसमें बता रहे हैं सुनेंगे इस वीडियो में। दिनांक 17/8/22 को सिपारा के पास एक लड़की को गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेस में आया था। उसका जो है यूट्यूब चैनल में और भी काफ़ी सीसीटीवी फुटेज जो है चला था, जिसमें एक लड़के के द्वारा वो जब लड़की कोचिंग से वापस लौट रही थी तो उसे पीछे से गोली मार दिया गया था। फिर उस वो हॉस्पिटलाइज हुई और हॉस्पिटलाइज जो है यानी अभी भी वो जीवित है और स्वस्थ है। जब उस संबंध में अनुसंधान हुआ तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जैसा आप लोगों को विदित है कि वो सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे चैनल में भी चला था, रीजनल चैनल में भी और नेशनल चैनल में। उसमें उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया। जो लड़की के परिजन थे, वो जो लड़की थी उसका नाम काजल कुमारी था, उसके परिजन द्वारा उस लड़के को आइडेंटिफाई किया गया। वो लड़का जो था वो सुबोध कुमार था और पहले ये लोग एक साथ ही जो है रहते थे। जब अग्रतर अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि जो है यानी ये प्रेम पहले इन लोगों का प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के कारण से ही जो है सुबोध कुमार के द्वारा उसको गोली मारी गई। सुबोध कुमार जो है यहाँ से बाहर भाग गए थे तो हम लोग के द्वारा काफ़ी दबिश दी गई। दिनांक 24/8/22 को 22/8/22 को पुलिस के दबिश के कारण उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय पटना सदर में उनके द्वारा जो है सरेंडर किया गया। 24/8/22 को उन्हें यहाँ पर रिमांड लेकर के पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि जो काजल नाम की लड़की है उससे पिछले 3 सालों से उनका प्रेम संबंध रहा है और दोनों में काफ़ी अंतरंग संबंध भी था। इन दिनों कुछ दिन पहले काजल कुमारी का संबंध उनके एक प्राइवेट टीचर थे जिनका नाम विकास कुमार था, उनके साथ हो गया। एक दिन विकास कुमार और काजल कुमारी ये दोनों कहीं घूमने गए हुए थे और वहाँ पे इन दोनों तीनों आदमी का एक दूसरे से सामना हो गया। वहीं पे करीब 1.5 घंटे इन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई और उसी से ये काफ़ी क्रोधित हो करके इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमको लड़की को गोली मार देना है और मार करके गोली उसकी हत्या कर देनी है। इसके लिए ये अपने गांव गए। इनके गांव के पड़ोस में एक गांव है फरासपुर, वहां जाके एक राजा महतो नाम का व्यक्ति जो आम डीलिंग का काम करता है उससे इन्होंने हथियार लिया और हथियार के साथ गोली भी ली और उसी हथियार और गोली के साथ आ करके उनके द्वारा लड़की को पीछे से गोली मारी गई। जब वो जिस दिन गोली मारी गई तो पहले वो उसको पता था कि ये कोचिंग जाती है और कोचिंग के बाद जो है वो इस रास्ते से लौटती है, तो जैसे ही रास्ते से लौट रही थी तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इस घटना में प्रयुक्त जो हथियार था उसे रिकवर कर लिया गया है। जो राजा महतो जिससे हथियार लिया गया था उसकी भी अरेस्टिंग हुई है, उसके लिए एक अलग से भी जो है बेउर थाना कांड संख्या 429/22 जो है आर्म्स एक्ट का दर्ज किया गया है। और जो हथियार जो यानी अटेम्प्ट टू मर्डर में यूज़ किया गया था उसे रिकवर कर लिया गया है, जिसे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए FSL भेजा जा रहा है। इस लड़के का तो नहीं है, लेकिन जो राजा महतो है जिसने हथियार दिया है उसके बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। हथियार तो ये राजा पारस पारा, राजा महतो फरासपुर नालंदा जिला में है और राजा महतो तेसर स्वर्गीय शिव बालक महतो है ना, और इनका थाना है चिकसौरा जिला नालंदा।
चिकसौरा। लड़का जो एडिटिंग है सुबोध कुमार की, रहने वाला मूल निवासी कहाँ का है? ये नालंदा का है, साकिन कोरमा, गांव का नाम है कोरमा। ये हम प्रेस विज्ञप्ति भी आपको देंगे, आप उससे लिख सकते हैं।